ओ मेरा छत घर टूट गया भाई, एक ही कमरा है, ऊपर से छत वाला कमरा है भाई, ये तो धूप आ जाएगी। ओ सब बिस्तर पे गिर रहा है भाई, बिस्तर पे क्यों गिरा, जमीन पे करता, झाड़ू लगाना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं जी हाँ, फाइनली वीआर का मेटाक्वेस्ट 2। फाइनली मैं अपग्रेड कर रहा हूँ मेटाक्वेस्ट 3 में। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो वो है मेटाक्वेस्ट 2 एंड पिछले 2 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मैंने अगर अभी तक तो कुछ बाय किया है तो ये है। तो जी हाँ, मैंने ले लिया मेटाक्वेस्ट 3 और अब इसको मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। एंड भाई डेफिनेटली जब 2 यूज किया है इतने लंबे समय तक तो डेफिनेटली बता पाऊंगा कि भाई क्वेस्ट 3 क्या सही में उससे उतना बेहतर है कि अब एक नया प्रोडक्ट ले सको। दूसरी बात, बिग शाउट आउट जाएगा भाई डिजाइन इन्फो को, क्योंकि मैंने 2 बार अमेजोन से बाय किया, दोनों बार मेरे साथ हुआ फ्रॉड, अभी भी वो पैसे अटके हुए हैं एंड मुझे नहीं मालूम वो कितने दिन लगेंगे, 7 से 10 दिन बोला है, तो ये महीने में लगभग मैंने 2 बार बाय करने के बावजूद भी मुझे नहीं मिला है। तो बिग शाउट आउट टू डिजाइन इन्फो जिनसे मैंने बाय किया एंड कल शाम को किया था, आज 10 बजे 10:30 बजे मुझे मिल गया ये प्रोडक्ट। हाँ तो कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है, बाकी इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये इसकी पैकेजिंग है जो आप देख रहे हो, कुछ ऐसी हर तरफ से अगर नजदीक से देखना हो तो। अब इसको ओपन करते हैं। तो फाइनली यहां से हमने इसको कट कर दिया है, अंदर भी इन्होंने प्रोटेक्टिव लेयर डाला हुआ है। पहले लेयर के बाद कुछ ऐसी पैकेजिंग आपको देखने को मिलेगी डिजाइन इन्फो की, एंड यहाँ पर भी इन्होंने ये सलटे पर वो चिपकाया हुआ है। तो एंड फाइनली क्वेस्ट थ्री हमारे सामने आता हुआ जो कि कुछ इस तरह का है। मैं एक बात बता दूं, एक्चुअली मैं इस तरह का है, मैं एक बात बता दूं भाई, ये सील जो है ना ये कंपलसरी है, अगर ये सील आपके प्रोडक्ट में नहीं है तो भाई रिटर्न ही करा देना वहीं से, इसके आगे खोलना ही मत। और हाँ, वीडियो हरवा बनाना कोई भी आप क्वेस्ट लेते हो तो। तो ये आया है क्वेस्ट 3 कुछ इस तरह का, एंड इधर भी है, हाँ इधर भी सील है एंड इधर भी सील है। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ है यहाँ पे, पता नहीं क्या है, ये एक बुकलेट जैसा है कुछ, चाइनीज में ही लिखा हुआ है तो पता नहीं सर, हो सकता है चाइना से इंपोर्ट कराया होगा। एंड हाँ और भी चीजें दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पर मेटाक्वेस्ट 3 का ब्रांडिंग है सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज में, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी चाइनीज लैंग्वेज में ही है, तो आई थिंक ये प्रोडक्ट पूरी तरह से, बट यहाँ पर यूएसए लिखा गया है जैसा आप देख पा रहे हो। यहाँ पर मेटा का लोगो, यहाँ पे क्वेस्ट 3 का फोटो, बाकी यहाँ पे आप ओपन करते हैं हम लोग, इसको करेंगे कैसे वो देखूं तो। अच्छा इसको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है करते हैं। अच्छा ये उससे पहले खुलता ही नहीं अगर आपने इसको फाड़ा ना हो तो, सही है यार ये, हाँ नहीं नहीं यहाँ पर भी फाड़ना तो पड़ेगा ही, तो आपको ये कंपलसरी है कि ये दोनों सील आप निकाल दो एंड फाइनली आपको प्रोडक्ट जो है वो यहां से बाहर निकलेगा। एंड यहाँ पे मेटाक्वेस्ट 3 लिखा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का है ये, बाकी इसको अगर ओपन करना है तो आई थिंक यहाँ पर कुछ निशान बना है, अच्छा निशान से कोई मतलब नहीं है। एंड फाइनली वी हैव द क्वेस्ट 3, एंड मैं बता दूं मेटाक्वेस्ट 2 के कंपैरिजन में 3 काफी कॉम्पैक्ट पैकिंग के साथ आया है, काफी मतलब बहुत ही ज्यादा। यहाँ आप खुद ही देख सकते हो, ये मेरे हाथ में जो है ये क्वेस्ट 2 है एंड ये क्वेस्ट 3 है, फर्क साफ साफ दिखता हुआ दोनों के बीच में, ठीक है निकालते हैं इनको पहले बाहर। तो 2 कंट्रोलर यहाँ पर आए हुए हैं, एंड हाँ लास्ट टाइम भी ऐसा था कि आप अगर इसको निकालोगे तो ही बैटरी कनेक्ट होगी, तो कुछ इस तरह का कंट्रोलर है जो कि क्वेस्ट 2 से काफी ज्यादा अलग है। एंड फीलिंग की बात आती है तो नहीं, फीलिंग भी अलग लग रही है थोड़ी, बटन लास्ट टाइम बहुत थोड़े निकले हुए थे बाहर एंड वो ज्यादा बेहतर लग रहे थे, ये बहुत ज्यादा दबे हुए हैं। हाँ यहाँ पे पहले ऑक्यूलस का लोगो था, अब मेटा का आ चुका है क्योंकि मेटा ने बाय कर लिया है। एंड फाइनली आ रही है हमारी वो डिवाइस, ओ कितनी लाइट वेट भाई है एकदम कॉम्पैक्ट चश्मे जैसी कर दी है भाई इन्होंने, एंड बहुत ही ज्यादा मतलब बैठ जाएगी चेहरे के ऊपर, बहुत बढ़िया डिजाइन किया है जिसने भी किया है। मैं लोगों को देखता था यूज करते हुए, मुझे लगता था काफी बड़ी होगी लेकिन एकदम परफेक्ट फील कर रही है, एंड अंदर जो वजन आ रहा है ना इसका वेट भी काफी सही लग रहा है मेरे को, एकदम बैलेंस वाला, तो काफी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है अभी। एंड इसको आप ऐसे खोलोगे तो ये आ गया इसका स्ट्रैप वही पुराना वाला रखा है जो कि लास्ट टाइम भी खराब था एंड इस बार भी शायद खराब ही होगा। और हाँ यहाँ पे जो लेंसेज हैं उसके ऊपर लगा हुआ है, लिखा है कि नो सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए लेंसेज पे, अदरवाइज भैया गया, ये बहुत निकला हुआ है भाई, इसको कहते हैं फेस इंटरफेस, ठीक है। तो मैं इसको निकाल रहा हूँ, ये रहा कुछ, एंड ये इधर से भी मैंने निकाल दिया है। लेंसेज काफी ज्यादा वाइड लग रहे हैं, काफी तगड़ा व्यू आ रहा है
इसके डिजाइन की एक बात करें तो यहाँ पे एक बटन दी है, आई डोंट नो कितना दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रही है ना, ये बटन से आप चश्मा भी इसमें फिट करवा सकते हो, तो कुछ ऐसा भी इसका यूज है, तो काफी बढ़िया अपग्रेड किया है। अगर फिजिकल की बात करते हैं उसके कंपैरिजन में तो काफी मॉडर्न लग रहा है ये। यहाँ पे मैग्नेटिक देख सकते हो, मैग्नेटिक चार्जर भी है, यहाँ पे बटन दिख रही है वॉल्यूम की, ये आई थिंक पावर बटन है, नहीं ये, ओ हाँ ये आप इसके अंदर के जो कैमरा के लेंस है ना वो आपकी आंख की बीच की दूरी को सेट करेंगे, वो यहाँ पे दिए गए हैं, ओके। एंड ये आपका मोशन जो है वो डिटेक्ट करेगा, बाकी हाँ ये रहा पावर बटन, पावर बटन यहाँ पे है, मैं इसको दबा रहा हूं। एंड यस द फर्स्ट टाइम एवर मेटा क्वेस्ट ओपन हो रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा अगली स्क्रीन इसके अंदर की, बट भाई उससे पहले हम लोग इसका कंट्रोलर जो है वो चालू हो रहा है, उससे पहले हम लोग इसका कंट्रोलर को भी चला के देख लेते हैं, इसको खींच लेना है मेरे को खाली, ठीक है। हाँ ये वाइब्रेट हुआ है, लाइट जली है इसके अंदर, एंड ये जो था ये निकल गया है यहाँ पे। सेम ऐसा ही मुझे इसमें भी करना है, जैसे ही करेंगे पावर कनेक्ट हो चुका है, बैटरी इसमें आई है पहले से ही। तो फाइनली हम लोग इसको पहनने जा रहे हैं, एंड यस जो मैंने बताया था ना बटन उसके बारे में लिखा है कि उसमें आप चश्मा फिट कर सकते हो अपना। एंड ये रहे कंट्रोलर, एक बात ध्यान रखना है कंट्रोलर को कंपलसरी आप अपने हैंड के अंदर ऐसे रख लेना, अदरवाइज वो छूट जाएगा, लास्ट टाइम जैसा नहीं है, ये जो चारों तरफ ग्रिप आती थी वो नहीं है, तो बहुत रिस्की है ये। एक चीज जो भाई मेरी दिखानी रह गई थी वीडियो में एंड मुझे बाद में याद आई जब सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वो था इसका चार्जर जो कि यहाँ पे आया है। अरे यार एक हाथ से रिकॉर्ड करने का ये नुकसान है, फट गया। ये इसका चार्जर है भाई, ये देख सकते हो मेटा का ब्रांडिंग है, इसके अंदर 18 वोल्ट या आई थिंक 15 वोल्ट का चार्जर होना जरूरी है अगर एक प्रॉपर आपको स्पीड चाहिए तो। एंड हाँ टाइप सी केबल है जो कि दोनों तरफ से टाइप सी ही है, लास्ट टाइम भी ऐसा आया था। एंड कुछ बुकलेट्स हैं जो ऑब्वियसली बात है अलग लैंग्वेज में होंगी, ठीक है चाइनीज में ही है। फाइनली मैंने दोनों हाथों में ले लिया कंट्रोलर एंड फाइनली इसको लगाने जा रहा हूँ। इसको यूज करने से पहले मैं बता दूं भाई इसके अंदर मिक्स्ड रियलिटी है, तो जो इसमें दिखेगा वो आपको भी, जो मुझे दिखेगा वो आपको भी दिखने वाला है। ओहो गजब भाई, बताता हूँ क्यों। इसमें आगे से भी आप सेट कर सकते हो अगर आपको हाइट का इश्यू हो तो मैंने यहाँ पे हाइट सेट कर ली है एंड यहां से मैंने अपना जो विड्थ थी माथे की वो सेट कर ली एंड फाइनली वी आर रेडी। तो सेटअप करने जा रहा हूं मैं पूरा का पूरा क्वेस्ट 3, बट उसमें उसके पहले आपको अपना मोबाइल चाहिए होगा उसके लिए, एंड मोबाइल के अंदर आपको यहाँ पर एक नया सेटअप ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया मेरे में, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करना होगा एंड वाईफाई की डिटेल डालनी, साथ ही जो भी डिटेल मांग रहा है लैंग्वेज होंगी इसकी वो सब भी डाल देना आप लोग। वो क्लियरिटी के बारे में पूछ रहा है, अपने फिट के बारे में बता रहा है, उसके बाद वाईफाई की डिटेल डालने को कह रहा है इसके अंदर, तो मैं डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको फिर अपने मोबाइल ऐप में बता देना कि भाई मैंने अपना वाईफाई डिटेल डाल दिया, जैसे ही आप डाल देंगे उसके बाद बाकी का सेटअप जो है वो आपके मोबाइल पे होगा जैसा मेरे में हो रहा है। एंड फिर लिखा आ जाएगा कि भाई यस इट्स डन, हेडसेट का अभी कुछ अपडेट हो रहा है, तो अभी मैं आपको ये वाली स्क्रीन तो नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे को इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा, बट इसमें 9 मिनट का टाइम है एंड कोई सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड हो रही है, बट हाँ आपका मोबाइल का हिस्सा यहाँ पे पूरा हो जाता है। एंड फाइनली वी आर कुछ ऐसा दिखता है मेरे हेड पे। एंड हाँ द बेस्ट पार्ट इज कि आप इसमें मिक्स रियलिटी में जो जैसे ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन आती थी एंड रिकॉर्डिंग में ब्लैक स्क्रीन आती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो आप एक्चुअली अपने बाहर की दुनिया को देख सकते हो। मैं अभी धूप है, आई डोंट नो यहाँ पे कितना दिख रहा है बाहर, बढ़िया देखिए यहाँ पे अभी भी थोड़ी धूप है तो मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ इसको बाहर। बट उससे पहले एक एप्लीकेशन है जो सब लोग कहते हैं कंपलसरी है भाई आपको इस VR में मेटा क्वेस्ट 3 क्या कैपेबल है करने को, उसके लिए ये फर्स्ट इनकाउंटर वाला एप्लीकेशन खेलना बहुत जरूरी है। पूरा रूम इसने मेरा स्कैन कर लिया, एक एक चीज एक एक कोना यहाँ पे ये मुझे नहीं पता था भाई। ओ ऑटोमेटिक ये चीजें भी बता दे रहा है कहाँ पे कौन सी चीजें कहाँ पे क्या है, छत नहीं मुझे और कोई फर्नीचर है, वो है छोटा फर्नीचर, ये चेयर है, बट ठीक है ये इतना इनफ है मेरे हिसाब से। कह रहा है कि बी केयरफुल कुछ होने वाला है यहाँ पे शायद, पैस की स्पेस अबाउट टू फ्लोट इनटू योर रूम, ठीक है कुछ आसमान से कुछ चीजें आने वाली है मेरे इस कमरे में, कैच एज यू एनी एज मेनी एज यू कैन। ओ मेरा छत घर टूट गया भाई, एक ही कमरा है ऊपर से छत वाला कमरा है भाई, ये तो धूप आ जाएगी। ओ सब बिस्तर पे गिर रहा है भाई, बिस्तर पे क्यों गिरा, जमीन पे करता झाड़ू लगाना पड़ेगा। ओ अब क्या करना होगा यहाँ पे, मुझे कुछ मालूम नहीं, या तो ये मुझे लग रहा है कुछ देने में नहीं आया क्या प्रोडक्ट, वहीं पे उतरा चाहता हूँ, नीचे भी उतर सकता था क्या करना है वहां पे। एंड पूरा मेरा ये वाइब्रेशन के साथ चल रहा है,
मैं जनरली बंद कर देता हूँ, मैं बंद भी कर दूंगा यहाँ पे। ये कुछ है, आई गन मिली, गन हमने ले लिया, छूटने पे गिर जाती है, नहीं ठीक है हमारे हाथ में रहती है। ये क्या, ये कुछ है, क्या है वो, यहाँ भी कुछ कर रहा। अच्छा वो आ रहा है, तोड़ रहा है, कोई कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ओ मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मैं भाग क्यों गया यहां से पहले ही। ओ पीछे से आना था भाई, रिकॉर्डिंग यहाँ चल। ये कौन आया? अच्छा हाँ, ओ ओ ओ, 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 ओ। अच्छा कैच हो गया शायद, ठीक है वहां से भी कोई आ रहा है। अच्छा हाँ कैच हो गया, ठीक है भाग रहे हैं कुछ कुछ। ओ जस्ट इमेजिन, ये तो एक फ्री गेम है, जो प्रीमियम गेम्स हैं वो कैसी होंगे इस गेम में। एंड हाँ वो मेरा फोटो है या इनका फोटो नहीं है। मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा, ठीक है यार रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है हम लोग यहाँ पे रोक रहे हैं। वो मेरा कंप्यूटर तोड़ रहा है तेरे तो, भाई मैंने थोड़ी देर इनको इकट्ठा किया था, कंप्यूटर तोड़ रहा है। अरे हेल्प जा रही है, नली हमने ये जो जार था पता नहीं क्या था, जो जार है वापस। टोटल 107 मैंने कॉर्ड कैच किए हैं 192 में से। एंड यस हम लोग आ चुके हैं भाई यहाँ पे, वो देख सकते हो वहां सूरज आता था हर बार, इसलिए मैं बंद करता हूँ। एंड मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा भाई इस गेम को सूरज में खेलो। तो हमारी जो पहली गेम आज हम देखने वाले हैं इसके अंदर वो होगी हमारी थ्रिल ऑफ द फाइट। तो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है मुझे इसके ऊपर चढ़ना है, हो सकता है मैं आपको साथ अपना वीडियो वाला कैमरा ना दिखाऊं, बट हाँ क्वालिटी एंड ग्राफिक्स में साफ साफ फर्क दिख रहा है मेरे को। ओ, मैं डर गया, मुझे लगा ये कौन मेरे करीब आ गया। ठीक है मिक्स्ड रियलिटी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बट ये डिसेबल्ड का है कर दिया है यहाँ पर, ठीक है मुझे आगे जाके। ठीक है तो फाइनली मैंने मिक्स्ड रियलिटी ऑन कर दिया है, तो मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे फाइट ऑन करूँगा। एंड मैं चाहता हूँ, अरे इसके साथ मत करवाओ भाई, किसी और के साथ करवाओ, ठीक है नहीं है ठीक है इसी के साथ करवा दो। वो देखो वहां खड़ा है, ठीक है कह रहा है अपने कॉर्नर पे चले जाओ। इन्हें रियल में आ गया है बंदा फाइट करने, इसको हम लोग लेंगे तो कंटिन्यू हो जाएगी, बाकी गेम प्ले तो वही है भाई हाँ असली वाला है। हाँ ग्राफिक्स फर्क है यहाँ पे ये मैं कहूंगा। रेड बाउंड्री भी आई थिंक आप हटा सकते हो, बाकी अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं ये फाइट तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे लोग दिख रहे होंगे, दिखेंगे अगर कोई देख रहा होगा तो हाँ ये तो प्रैक्टिस वाला बंदा है। अब रियल मैच भी लगा सकते हो मिक्स्ड रियलिटी में, बट हाँ ये आपका पूरा रिंग हो चुका है, ऑब्वियसली बात है पीछे नहीं दिखाई देगा। और ये देखो ठीक है ग्राफिक्स भाई बहुत इंप्रूव है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव है, नज़दीक से देखो ये। ठीक है मैं दूसरी गेम लगा रहा हूँ, एंड यस इट्स आई बी क्रिकेट। इसके अंदर भी मिक्स रियलिटी है बट उसको हम कभी और दिन चेक करेंगे एक अलग ही वीडियो में। आई बी क्रिकेट का बैट है वो सपोर्ट नहीं करता है, तो मैं पहले बता दूं हमको कंट्रोलर पे खेलना पड़ेगा, मैंने सेटिंग चेंज कर दी, अब कंट्रोलर जो है वो बैट बन गया है। मेरे को ग्राफिक्स देखना है भाई बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, मैं देखो मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा तो मैं झूठ कहूंगा, बट फर्क है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा है। जितना इसका चेहरा दिख रहा है ना वो सब झांका हल्का हल्का दिखता था, अच्छा खासा फर्क है भाई इसके ऐप में क्वालिटी में। बॉल भी बहुत ज्यादा क्लियर दिख रही है, जर्सी वर्सी का भी इफेक्ट दिख रहा है मुझे अच्छे से, स्टेडियम देख लो भाई है ना। आप खुद भी शायद वीडियो की क्वालिटी में भी आप जाके चेक कर सकते हो कितना फर्क है इसमें। एटलीस्ट एक ओवर तो यार ठीक है। ए, उसको क्या हुआ? कुछ हुआ था, बहुत गलत हुआ था। सिक्स तो दिखाऊंगा भाई आपको मैं, ठीक है रन आता हुआ। गेम प्ले तो वही है लेकिन ग्राफिक इंप्रूवमेंट है, एजेस की बाउंड्री। ठीक है दो गेंदे और देख लेते हैं। अरे यार करना डाल, चार रन मिल सकता है, लास्ट बॉल सिक्स दे दे यार, मैं तो घुमाऊंगा तेजी से, नहीं आया। बट हाँ भाई ग्राफिक्स में इंप्रूवमेंट फील हो रहा है। एंड द नेक्स्ट गेम इज सुपर हॉट वीआर। भाई अगर आपने वीआर हेडसेट लिया है सबसे पहले ये वाली गेम बाय करना। ठीक है भाई तो ये आ गया हमारा गेम प्ले, एंड
इजीली आप फील कर सकते हो द बेटर क्वालिटी, ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है, कॉन्ट्रास्ट बहुत बढ़िया है, मतलब जो जो टर्म्स होती है ना कलर्स के मामले में वो सब है यहाँ पे, क्योंकि इसको पहनेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा क्या है। एंड हाँ, यहाँ से मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये दिक्कत है, ठीक है, इसमें तो मुझे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं इस गेम में अभी, क्योंकि इसका ग्राफिक्स ऑलरेडी जो है वो बहुत एक जैसा ही है, तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कि कुछ ज़्यादा मैं अलग दिखा पाऊँगा या अलग अलग फील कर पाऊँगा। बट यस, द गेम इज़ अ मस्ट बाय, मैं हमेशा बढ़िया, ठीक है, ऊपर से आवाज़ आई है, तो क्वालिटी भी, वॉइस क्वालिटी भी थोड़ी अलग है, ठीक है, ये बच गया है, इधर से भी आया है, इसको पहले मारो, गोली खत्म, हाथ देखो कहाँ कट के जा रहा है, ठीक है, वो एक बार निकले तो मैं मारूँ उसको, कहाँ गया, अरे तो बच गया यार। बट हाँ, इसमें मैं ज्यादा कुछ ग्राफिक फील नहीं कर पा रहा चेंज, बट हाँ मेन्यू में था जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीजें थी। नेक्स्ट गेम इज पीकी ब्लाइंडर्स द किंग्स रैंसम, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन गेम ऑन वीआर। यहाँ पे देख सकते हो प्री वार्मिंग शैडोज होते हैं, ये कुछ ऐसी गेम्स है ना जहाँ पे इसका ग्राफिक्स पता लगेगा कितना अलग है। कंटिन्यू, ठीक है, झूठ तो क्या बोलूं भाई मैं, इसमें मुझे थोड़ा सा व्यू लग रहा है कि अलग है, बट ग्राफिक्स मुझे कुछ ज़्यादा अलग नहीं लग रहे हैं। ग्राफिक्स मुझे लग रहा है क्वेस्ट टू एंड, इसमें डेवलपर्स ने नहीं कुछ चेंजेस किए हैं क्वेस्ट थ्री के हिसाब से, इस गेम में उतने ज़्यादा फीलिंग नहीं हो रहा है ऐसा, तो रियलिटी है कि क्वेस्ट उसमें भी क्या नाम है आईबी क्रिकेट में भी नहीं किया उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस, बट स्टिल उसमें फील आप कर सकते हो। इसमें मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा जितना मैंने खेला है, उसका रीज़न एक हो सकता है मैंने ये बहुत ज़्यादा खेली नहीं है, आईबी क्रिकेट मैंने बहुत खेला है तो मुझे उसके मेरे दिमाग में बस गए उसके ग्राफिक्स, उसमें फ़र्क दिखता है, इसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर। कितना हिस्सा कर रहा है वीडियो में, मैंने भी अभी नहीं देखा तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज होगा ये देखिए भाई चेहरे वेरे कैसे दिख रहे हैं, बट इसमें मुझे नहीं लग रहा भाई ज्यादा फर्क। एंड द नेक्स्ट गेम इज अंडर डॉग्स, भाई नहीं बाय किया है तो जाओ बाय करो, खेलो भाई, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फन गेम इन द वीआर। अभी मैं भूल चुका हूँ इसको खेलते कैसे हैं, चलो भाई फाइट करते हैं, बट मैंने ऑप्शन में फाइट इन द डार्क चुना था, तो उम्मीद करता हूँ डार्क पूरा ग्राफिक्स ना है, पूरा तो लाइटिंग वाइटिंग दिखाई दे इसका। मैं भूल चुका हूँ भाई यहाँ पे पुलिम टुगेदर, ठीक है पुलिम, ठीक है कैलिब्रेट हो गया है, ये पूरी रोबोट फाइट है, इंडिया से ग्राफिक्स ऑलरेडी फंटास्टिक है, चलना है क्या? ओह हाँ याद आ रहा है मेरे को यार, मैं मिस कर रहा हूँ यार, आ गया चलते कैसे, मैं भूल गया मैं, अच्छा हाँ ऐसे याद आ गया, ऐसे कुछ है इसका मूवमेंट, मैं रुक गया हूँ एक जगह, आ जा कुछ फेंकेंगे क्या, तगड़ा डैमेज होता है तो इस तरह की स्क्रीन आती है फटने की, वो आ रहा है भाई, और भी आएंगे जो मैं वार्म अप हो जाऊँ, और ये तो करंट वाले हैं, अच्छा ये चला तो, अच्छा हाँ ऐसे रापे दबाना पड़ता है ग्रिप वाला ऑप्शन, तब वो चलते हैं, वो फटते हैं बम वाले, उनको लेके आए फटेंगे गए, तो कोई मार लिया, चलो अच्छी बात है। स्ट्रैप की बात कर लूँ ना भाई, अभी मैं हाँ आयरन मैन चालू की स्ट्रैप की बात कर दूँ, हाँ भाई अनकंफर्टेबल है थोड़े से, ऊपर से मेरी आदत होगी पीछे से खोलने वाली, तो बार बार मैं एक दो बार ऐसे ही करके देखा, फिर याद आया ये तो भाई क्वेस्ट थ्री है, दिस इज द ग्राफिक्स, अब इसमें भी अंधेरा आ गया, ठीक है मैं वहाँ पर जाके इसको ओपन करवाना है भाई, ये हमारे हाथ वाथ आते हुए, अभी होगा दिन होगा चिंता मत करो, ये हो गया है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफिक्स, हाथ मेरे बहुत बड़े लग रहे हैं, आई थिंक मेरी हाइट ज़्यादा कर दी है इन्होंने, ठीक है यहाँ से हम निकालेंगे, अरे जिंदा कर रहे हैं हम लोग गन स्मिथ को, इसकी भी मैंने गेम प्ले डाले हुए हैं थोड़े, हाँ अभी जिंदा होगा, इसको हमने बंद करके रखा था, ये हमारा एआई फ्रेंड है, ये रहा, हेलो ओल्ड फ्रेंड, एंड यस अगेन हर चीज़ थोड़ी 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 बेहतर लग रही है, ये जो बहुत हाई ग्राफिक्स गेम थे ना उनके में अगर क्वेस्ट 3 का अपडेट नहीं आया ना थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको फील होगा, दूसरी बात ये काफ़ी लाइट वेट है तो ये सब प्लस पॉइंट है।
ठीक है, पार्टी इज ओवर कह रहे हम लोग। तो ये रहा हमारा भाई आयरन मैन का गेम प्ले। मैं ज्यादा डीप नहीं कर रहा, एक और गेम दिखाता हूँ आपको इसी में। And the next game is another iconic game, The Climb 2. देखो मैं बता दूं भाई, ये गेम मैंने ज्यादा नहीं खेला है तो इसके कंट्रोल मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बट लुक एट द ग्राफिक्स। हमको इस आल्प्स पहाड़ है उसकी उस ऊंचाई पे जाना है विद द हेल्प ऑफ ये सारे चीजें। पकड़ता कैसे था? हाँ, कुछ देर के बाद आपका हाथ का स्टेमिना खत्म हो जाता है तो आप ऐसा कुछ करके इसको रिचार्ज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा देर तक आप नहीं पकड़ सकते, बट लुक एट द ग्राफिक्स। एंड जंप वम के भी ऑप्शन हैं। ये आपका चेक पॉइंट है। ओ देखो इंसान जा रहा है, बट मेरे पास वक्त नहीं है भाई ज़्यादा देर देखने का। मैं ज़्यादा देर करूँगा तो यहाँ स्टेमिना जो है वो ख़त्म होने लगता है, फिर हाथ छूट जाता है। तो ये देख सकते हो आप किस तरह से चलता है ये गेम। ये रहा पहाड़ी, अभी हम लोग एकदम ऊँचाई पर पहुँचने वाले हैं। फिर वहाँ पर घंटी होगी, वो घंटी बजाएंगे तो वो पूरी हो जाएगा लेवल। ठीक है, जंप करते हैं। ओह बचा, देख के ठीक है, चेक पॉइंट डन। तो ये हमारे ग्राफिक, एक बार गिर के दिखा देता हूँ मैं आपको, दुनिया भी दिखा देता हूँ, घड़ी भी देख लो कैसी मस्त है। ये देखो भाई, इसमें टाइमर लोगों का होता है, लीडर बोर्ड बन के आता है, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड में लीडर बोर्ड पे भी चढ़ सकते हो। ऐसे तो बहुत सारी गेम्स हैं भाई दिखाने के लिए, जो हम सही टाइम आने पे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, बट दिस इज हाउ द गेम्स वर्क्स इन क्वेस्ट 2। कहीं कोई लैग नहीं है। एक और बैटरी की बात बता दूं तो भाई, मैंने इसको जब पहली गेम खेली थी ना, मेरी 100% बैटरी थी, अभी 34% हो गई है। जितना गेम प्ले देखा ना उसमें इसका फर्स्ट रन हो रहा है तो अराउंड 66% बैटरी खा गया ये इतनी देर में ही सिर्फ। है ना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है भाई, इसमें कोई वो नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बार जब भी रन होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है बैटरी को ऑप्टिमाइज होने में। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन अभी पूरा हुआ है क्वेस्ट 3 का, एंड मेरी बैटरी भी एक बार मैंने खत्म कर ली, दूसरी बार मैं अभी बस चार्ज ही कर रहा था। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं, गुड पॉइंट्स की बात करूं तो भाई, पहला तो बहुत कॉम्पैक्ट है, ये देखो इतने में ही हो जाता है, एंड यहाँ पे इतना बड़ा हिस्सा आगे निकला हुआ है। मैंने ये कीवी का लगाया गया है, एंड कीवी के कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, वीआर के ऊपर सब जबरदस्त है। अब इसका फायदा ये कि यहाँ पे वजन बैलेंस हो जाता है, नहीं तो आप ये वाला स्ट्रैप यूज करोगे ना क्वेस्ट 2 के साथ तो आपका सर हमेशा आगे की तरफ भारी रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है, बहुत जबरदस्त डिजाइन किया है इसको। दूसरी बात, बेहतर क्वालिटी है, लैग वैग कुछ नहीं होता। इसमें लैग होता है, स्पेशली जब आप रिकॉर्ड करते हो, जो हाई ग्राफिक्स गेम है वो लैग होती है। गेम प्ले में नहीं दिखाई देगी आपको, बट अगर आप खेल रहे होगे, रिकॉर्ड कर रहे होगे तो एहसास होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक और प्लस पॉइंट इसका मैं बता दूं भाई, अंधेरे में क्वेस्ट 2 से बेहतर चलता है ये, रोशनी में क्वेस्ट 2 से बेहतर चलता है ये, उसका जो व्यू है वो इसमें ज्यादा बेहतर आता है क्योंकि लेंस अच्छे हैं। तो भाई हर चीज में ये क्वेस्ट 2 से बेहतर तो है ही है, मतलब हर चीज में। तो भाई ये देख सकते हो, कंट्रोलर भी मैंने यूज किया है, बहुत बढ़िया मुझे एक्सपीरियंस मिला है इसके ऊपर। इसके ऊपर भाई 2 साल से ये चल रहा है, स्टिल फैंटास्टिक, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इतनी भी दिक्कत मेरे को अभी तक मेटा क्वेस्ट 2 में नहीं आई है, भगवान का शुक्रिया उसके लिए। कंट्रोलर सही है, बट हाँ मैं थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर रहा था। अब देखो मैंने अभी ये हाथ में लिया है तो मुझे लग रहा है इसकी तो जरूरत है ही नहीं। ये मेरे दिमाग का ऐसा भ्रम था कि यार ये है तो मेरा कवर कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये डिजाइन बेहतर नजर आ रही है इसके कंपेरिजन में, बट हाँ वो बैट में नहीं लग रहा है अभी क्रिकेट के, वो दिक्कत हो गई है। कुछ डाउन पॉइंट्स की बात कर दूं तो अगर आपके पास क्वेस्ट 2 है तो कोई भी एसेसरीज इसके ऊपर नहीं लगेगी, तो जो भी क्वेस्ट 2 की एसेसरीज है जितनी भी सब बेकार हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि 3 पे नहीं लग रही। दूसरी बात, इसका कैमरा जो है तीनों आगे है। मेरी आदत है जब मैं इसको पहन के रखता हूं तो मैं ऐसे सेट करता हूं, मैं छूंगा नहीं इसको, बट कई बार आपका हाथ जो है इसके कैमरे पे बार बार लगता रहता है। दूसरी बात, तीसरी बात एक्चुअली, यहाँ पे बटन्स थोड़े से अलग दिशा में आए हुए हैं तो मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है क्वेस्ट 2 से क्वेस्ट 3 समझने में, तो थोड़े से बटन की डिजाइन मुझे वियर्ड लगी है यहाँ पे बटन एलोकेशन, बट ये पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकता है। एक और चीज, इसका चार्जिंग पोर्ट है ना यहाँ पे दिया है इन्होंने, इसके जो क्या कहेंगे इसको, इसकी जो स्ट्रैप लगता है ना उस लोकेशन पे दिया है, तो ये बहुत अजीब जगह मुझे लगा यहाँ पर। हाँ 45,000 के आसपास आपको ये मिल रहा है इस वक्त, 2-3 महीने शायद रुकोगे, हो सकता है हॉलीडे आ जाए तो शायद फिर 45 टच हो जाए, बट 42 में भी आपको मिल जाएगा। जैन इन्फो से बाय करो तो एक बार उनके नंबर पे कॉल कर लेना। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैंने कॉल किया नहीं लगा, बिजी था, उन्होंने फिर से कॉल बैक किया, ये बहुत रेयर है। आप बात कर लेना उनसे, वो आपको आइडिया दे देंगे क्या चल रहा है प्राइस और क्या हो सकता है, कब तक डिलीवरी आएगा, अपना सब कुछ क्लियर कर लेना, रिप्लेसमेंट रिटर्न का जो भी डाउट है। बाकी एक डिटेल वीडियो क्वेस्ट 2 वर्सेस क्वेस्ट 3 एंड क्या अपग्रेड करना चाहिए उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, अभी के लिए रोक रहा हूं। एंड प्लीज लाइक द वीडियो भाई, क्वेस्ट 3 आ चुका है एंड इसके भी गेम प्ले आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। हो सकता है नए चैनल बना दूं मैं, हो सकता है इसी पे कंटिन्यू करूं, बट अभी के लिए इतना ही, प्लीज लाइक कर देना। बाकी कुछ सवाल हो वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट कर देना, एंड प्लीज अभी कोई सजेशन मत देना, मैं जरूर जल्द मिलूंगा गेम प्ले में, स्ट्रीम में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड हैप्पी गेमिंग।